जय हिंद क्लास थर्ड स्टूडेंट्स सो हेयर इट्स मी क्लास दिखी आई विल टीच इन दिस वीडियो मॉरल साइंस, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर ओके फेथ नो व्हाट इज फेथ ट्रस्ट बिलीव ओके भरोसा सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर okay so before starting the chapter just uh, i want to revise you uh, the things which i have which i had discussed in the last video about faith means you have to believe in the words of the person whom you love admire and respect okay so faith is a very important in the life of every human being okay let's start once there lived a boy named ravi he lived with his mother in a hut at the end of a forest his school was at the other end of the forest every day he had to go through the forest alone he felt very scared while crossing the forest one day he told his mother that he would always feel scared while crossing the forest alone okay so see means once upon a time there is a boy whose name is ravi उस बच्चे का क्या नाम था रवि ही इज लिविंग इन अ हट विथ हिज मदर ओके द हट इज इन द कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट हट कहाँ था फॉरेस्ट के कॉर्नर में एंड स्कूल इज अपोजिट टू हिज हाउस मीन्स जो स्कूल था वो एक कॉर्नर पे था और हट था वो एक कॉर्नर पे था मीन्स एक दूसरे के अपोजिट में था जंगल के एवरी डे ही हैड टू गो टू द स्कूल थ्रू द फॉरेस्ट अलोन डैट्स वाई ही गॉट अफ्रेड ओके मीन्स डेली उसको स्कूल जाना होता था उस रास्ते को क्रॉस करके उस फॉरेस्ट को क्रॉस करके दैट्स वाई ही फेल्ट स्कैड स्केड मीन्स अफ्रेड डरना डर जाता था सो एवरी डे ही गो टू द स्कूल थ्रो द फॉरेस्ट अलोन दैट्स वाई ही गोट अफ्रेड सो आफ्टर ऑल वन डे ही शेयर टू हिज मदर ऑफ गेटिंग स्कैड वाई गोइंग टू स्कूल सो see the picture of ravi and his mother this is the picture of ravi and his mother okay now next answer is his mother said why do you fear your brother lives in the forest whenever you get afraid call him for help ravi had a great faith in his mother so he believed her words words he asked why did you not tell me about it earlier what is his name

और सम वर्ड्स इस कॉल्ड फेथ जब आप किसी के ऊपर यकीन करते हो किसी के शब्दों पे यकीन करते हो उसको हम क्या कहते हैं भरोसा ओके ये चैप्टर बेसिकली किसपे है फेथ पे ट्रस्ट पे सो यू शुड हैव फेथ इन योर पेरेंट्स और नियर एंड डियर वंस ओके देन ही आज टू हिज मदर व्हाई डिड इन टेल वाई डिड इन यू टेल मी बिफोर अबाउट हिम मीन्स उसके उसके भाई के बारे में उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया एंड वॉट हिज नेम लेट्स वॉट इज हिज नेम मदर सेड हिज नेम इज़ गोप गोपाल वेन आवर यू गेट फ्राइटेड कॉल हिज नेम एंड ही विल कम टू हेल्प यू ही विल टेक यू टू द स्कूल एंड ऑल्सो ड्रॉप यू बैक होम रवि वॉज वेरी सेटिस्फाइड मदर सैड मीन्स मदर रिप्लाइड हिम हिज़ नेम इज़ गोपाल उसका नाम क्या था जो जंगल में उसका भाई था उसका नाम क्या था गोपाल बट एग्जैक्टली ऐसा था नहीं वेन एवर यू गेट्स कैर्ड वाइल गोइंग टू स्कूल जिस कॉल हिम बाय हिज नेम ठीक है ही विल ड्रॉप टू योर टू यू योर स्कूल एंड ऑल्सो ड्रॉप बैक टू योर होम नाउ ही इज़ हैप्पी मीन्स उसकी मम्मा ने कहा जब भी तुम डरो तो एक गोपाल को बुला लो ठीक है गोपाल को कॉल करके बुला लो तो गोपाल कोई उसका भाई नहीं था वो उसकी माँ के शब्दों पे भरोसा था उसने भरोसे से रवि को सॉरी रवि ने गोपाल को बुलाया विच मीन्स तो गोपाल क्या सिग्निफाई करता है इट सिग्निफाइज गॉड हु इज़ ऑलवेज विथ अस ठीक है गोपाल कोई नहीं था बस एक विश्वास था जो कि रवि की मम्मा ने कहा था कि इस नेम से पुकार लेना तो गोपाल सिग्निफाइज डैट गॉड इज़ ऑलवेज विथ अस, वेन एवर वी नीड हिम द ओनली द ओनली थिंग वी नीड इज टू हैव फेथ इन हिम means whenever you feel scared don't feel yourself alone because god is always with us so that's all for today if any doubt any problem ask me in the doubt section or in the comment section in here frightened means afraid okay frightened means afraid so thank you class if there is a doubt in any line or any sentence in any word ask me in the doubt class that's all for today from my side thank you